नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एपी लर्न पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको टाइपोग्राफी किस तरह से हम करते हैं ये बताऊंगा। और टाइपोग्राफी आप चाहें तो मल्टीपल सोर्स पे कर सकते हैं। मैं आपको एक अल्फ़ाबेट लेटर के ऊपर बता रहा हूँ, आप इस तरह से आप कोई ग्राफिक डिज़ाइन के ऊपर भी दर्शा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से टाइपोग्राफी होता है। तो सबसे पहले हमें एक लेटर की ज़रूरत है। मैं यहाँ से टेक्स्ट लूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे कीबोर्ड से बी प्रेस करूँगा और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ, ठीक है। इसके बाद मैं इसको सीसी करूँगा। सीसी करने के लिए कीबोर्ड से अपने कंट्रोल शिफ्ट ओ करें, ये सीसी हो जाएगा। इसके बाद मैं इसे सेंटर कर लूँ। इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करूँगा। इसके बाद मुझे इसे आउटलाइन करना है, मैं यहाँ से इसको आउटलाइन करूँगा और इसके बाद मैं इसका मल्टीपल लेयर बनाऊँगा इस तरह से। मैं शिफ्ट और अल्ट की मदद से इसका कॉपी ले रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से कॉपी हो गया और मैं चाहता हूँ इसका और भी डुप्लीकेट हो, तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करूँगा इस तरह से, ठीक है। मैंने 5 लेयर लिए हैं, ठीक है। इस तरह से मैं इसको सेंटर करूँगा और इस वाले को मैं कलर फिल करूँगा। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 3 कलर लिए हुए हैं और मैं यही कलर यूज करूँगा इसके ऊपर। इस तरह से मैं इसको ये कलर आउटलाइन में देना चाहता हूँ और इसका थोड़ा स्टॉक बढ़ा दूँ, 3 पॉइंट कर दिया मैंने। और इसके बाद मैं इसे ऑरेंज कलर दूँगा यहाँ से। इसके बाद मैं एक और कलर लूँगा यहाँ पे, इसको येलो करूँगा, ठीक है। अब मुझे इसके ऊपर एक टेक्सचर डालना है, ठीक है। टेक्सचर के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करूँगा इस तरह से, शिफ्ट की मदद से करें ताकि इक्वल लाइन बने। और मैं इसको चाहता हूँ कि इसको पिंक कलर दूँ, तो मैंने आई प्रेस करने से आपको सिलेक्शन मिल जाएगा कलर सेलेक्ट करने के लिए। और इस तरह से मैंने ये कलर ले लिया है और मैं इसको आउटलाइन कलर दूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं इसको इस तरह से मल्टीपल कॉपी करना चाहता हूँ, तो एक बार कॉपी करके और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी करें तो इसके ये लेयर बनाते जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको पूरा सेलेक्ट करूँगा, ग्रुप करूँगा और पेज के सेंटर में करूँगा और इसको बैक करूँगा, ठीक है। मुझे इसके अंदर क्लिप मास्क करना है इसे, बट ये ग्रुप है तो ये नहीं होगा। इसके लिए मैं इसको यहाँ से कट करूँगा और यहाँ पे एक पाथ बनाऊँगा और इसको कलर फिल करूँगा। इसके बाद मैं इसे बैक में लूँगा और इस वाले लेयर को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके मैं मेक अ क्लिप मास्क करूँगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, एक और बार डबल क्लिक करेंगे और इसको डिलीट मारेंगे। और हमने जो लाइन को कट किया है अब यहाँ पे हम उसे पेस्ट कर देंगे और स्केप की मदद से हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से एक टेक्सचर आ चुका है और मैं चाहता हूँ कि और यहाँ पे डॉट 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 की तरह एक और टेक्सचर हो, तो यहाँ से मैं एलिप्स टूल की मदद से यहाँ पे 0.1 सेंटीमीटर 0.1 सेंटीमीटर का एक यहाँ पे मैंने ले लिया है और इसको मैं कलर फिल कर दूँ। और इस तरह से इसका एक और कॉपी लेंगे और फिर अगेन हम कंट्रोल डी की मदद से सर्त मल्टीपल कॉपी करेंगे, ठीक है।
और इसके बाद हम चाहते हैं कि इसके नीचे भी सेम इसी तरह कॉपी हो, तो इस तरह से कॉपी करेंगे और अगेन हम वही काम करेंगे कंट्रोल डी, इस तरह से मल्टीपल कॉपी हो जाएंगे। इसको सिलेक्ट करके पेज के सेंटर में लेंगे और अब चाहें तो पेज को सेंटर में लाने के लिए कंट्रोल जीरो प्रेस करेंगे, सेंटर में बिल्कुल पेज आ जाएगा। और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा इसको ऊपर ले लें क्योंकि ये लेटर थोड़ा ऊपर है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लें, ठीक है। अगेन हम इसको कट करेंगे और यहाँ पे एक पाथ बनाएंगे और पाथ को बैक में करेंगे और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे मेगा क्लिप मास्क करेंगे। फिर अगेन हम डबल क्लिक करेंगे, इसके बाद डबल क्लिक करेंगे और इसको डिलीट करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इस तरह से स्केप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद इसको सिलेक्ट करके मैं इसको सेंटर कर दूँ, ठीक है, ऑलरेडी सेंटर में है। तो इस तरह से ये टाइपोग्राफी डिज़ाइन रेडी हो चुका है। और इसी तरह का आप डिज़ाइन चाहें तो ज़रूरी नहीं है कि आप लेटर के ऊपर करें, ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है, आप अपने डिज़ाइन में कहीं पर भी इसे यूज कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह से हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।